मंसूर में श्रद्धालु अपनी जान को जोखिम में डालते हुए नावों के सहारे कुलदेवी माता के पूजन दर्शन करने पहुंचे। आपको बता दें प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सोमवार दिनांक 6 जून को भी दशुरान नागर ब्राह्मण समाज जन अनेकों प्रांतों से सम्मिलित होते हुए पूजा अर्चना करते रहे। दशुरान ब्राह्मण नागर समाज के लोगों का मानना है कि कुलदेवी की दासता पूर्व में हुए मुगलकालीन शासक राज्य से जुड़ी है। पूर्व में समाज के रहने वाले लोग प्रताड़ना से बचने व अपनी जान बचाने के लिए अन्यंत्र स्थानों की ओर पलायन कर चले गए। समाज के आनंद दशुरा ने बताया कि मंसूर में पशुपतिनाथ मंदिर जैसा ही मंदिर हमारी कुल देवी माता के स्थान पर बने वो पहुँचने के लिए समाज के और सरकार से मंदिर से जुड़ी अच्छी व्यवस्थाओं की मांग की गई है। नहीं देखिए, जान तो दशुरा समाज की जोखम में बहुत साल पहले, हजार साल पहले ही आ गया। और जब इन्होंने समाज जीवन, संस्कृति, हमारी मर्यादाएं, हमारी परंपराओं की रक्षा के लिए इनके पुरखों ने जान जोखिम में डाला है, भारत का समाज, भारत का सांस्कृतिक जीवन उन संघर्षों को हमेशा याद रखता रहा है। और दशपुर के गौरवशाली पन्नों पर दशहराओं के लौट के आने का वो क्षण जो दशपुर की धरा में था, वो हम सबको स्मरण है। स्वर्गीय हमारे संत सेन जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ एक बड़ा आयोजन कार्यक्रम हुआ था। आज समाज फिर एकजुट होकर जुड़ा है। प्रशासन ने जितना व्यवस्थाएं बनाई है, हमारे आग्रह पर जितना यहाँ उपलब्ध हो सका वो किया। आज यहाँ दर्शन लाभ सबने लिया है और मन में फिर नई प्रेरणाएं और नए संकल्प हैं। समाज जो राह दिखाएगा उस पर जनप्रतिनिधि उस राह पर चलने के लिए संकल्प यहाँ पर अस्थायी रूप से भी अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे। जब समाज ने आग्रह किया है तो विषय आगे बढ़ेगा ही। यहाँ परंपरा से शुक्ल ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को पूजा अर्चन किया जाता है समाज द्वारा और प्रतिवर्ष सहयोग प्रशासन का मिलता है हमको। और अभी हमने मांग की माननीय सांसद जी से कि एक सुंदर और गरिमामय मंदिर का निर्माण हो, जिस प्रकार से पशुपतिनाथ जी का मंदिर का निर्माण हुआ उसी प्रकार से। तो उन्होंने बोला है कि ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी, मंदसौर।